हाय दोस्तों, आई एम शेफ रिपोर्टर मखांडा। अलेक्सा, आज की रेसिपी है। हाय, मैं हूँ मास्टर शेफ सीजन 3 विनर रिपुदमन हांडा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हर मंडे एंड फ्राइडे मिलूंगा मैं और मेरे साथ मिलेगी नई रेसिपी। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होली है, अब देखिए इस होली के फेस्टिवल में ना हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए स्पेशल ठंडाई। वो ठंडाई है भांग की ठंडाई। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बनने जा रही है ठंडाई, लेकिन ठंडाई बन रही है स्पेशल भांग की ठंडाई। तो जिन लोगों को भांग नहीं पीनी वो इस ठंडाई की रेसिपी को कॉपी करें, लेकिन भांग साइड पर रख दें। तो शुरू करते हैं बहुत आसान सी रेसिपी, होली स्पेशल रेसिपी, जो आपकी होली को चार चांद लगा देगी, हमारी ये स्पेशल ठंडाई। सबसे पहले क्या करना है, हमने सारे नट्स को यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है ताकि उनका फ्लेवर और अच्छे से निखर के बाहर आए। डालते हैं इसमें हम काजू, काजू के साथ साथ डालेंगे इसमें हम बादाम, पिस्ता, सौंफ, दालचीनी, ग्रीन कार्डमम, ब्लैक पेपर। अब देखिए इस ठंडाई की रेसिपी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका प्रोपोर्शन साइज। तो यहाँ पे आप उस हिसाब से ही मसाले डालिए जितने मसाले इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दूध इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 लीटर, यानी कि ये ठंडाई बनेगी तकरीबन 1.5 लीटर के हिसाब से। तो उसी हिसाब से आप मसालों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आपको मसाले ज़्यादा पसंद है तो मसाले थोड़े से बढ़ा भी सकते हैं। अब इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब ये नट्स है, ये देखो अच्छे से हमारे यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इनको हम बोल में निकाल लेते हैं इस तरह से। अब ये जो नट्स हैं ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको हम ठंडा करेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, उसके बाद इसका आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। लेकिन 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 दोस्तों, अब बारी है मेन चीज की, भांग। अब इस भांग को हम डालेंगे अपनी ठंडाई में। मैंने आज से पहले कभी भी भांग का सेवन नहीं किया, अगर आप लोग भी नहीं करते तो मत कीजिए, लेकिन मैं ट्राई करना चाहता हूँ इस होली इस भांग को। मैं हर बार बनारस जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ, वहाँ भांग की ठंडाई मिलती है, लेकिन पीते डरता हूँ। सोचा है कि इस बार अपने चैनल पर ये भांग की ठंडाई पियेंगे और आपको भी पिलाएंगे। अभी क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे बोल के अंदर। अब ये डालने के बाद डालेंगे इसमें हम पानी, ताकि इसको डाइल्यूट करेंगे हम। अब इस टाइम पे हमने अपने हाथ का इस्तेमाल करना है और इसको अच्छे से ये डाइल्यूट करना है इस पानी के अंदर। ये देखो इस तरह से। आई नो कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब ये ठंडाई में मिलेगा ना दोस्तों। देखो भांग मेरे किचन में बन रही है, लेकिन जो मेरी टीम के लोग हैं ना वो भी भांग के मज़े लेने वाले हैं, बताओ। वो भी एक्साइटेड है इस भांग की ठंडाई के लिए। तो अगर आप भी एक्साइटेड है तो आप नीचे कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने कभी ठंडाई पी है। तो कमेंट करके बताइए कि कभी आपने ज़िंदगी में भांग वाली ठंडाई पी है, या कभी भांग खाई है। अगर खाई है तो बताएं उसके बाद क्या होता है। चलिए ये देखो, ये भांग अच्छे से घुल चुकी है इसके अंदर, एकदम अच्छे से डाइल्यूट हो गई यहाँ पे, बढ़िया से। इसको रखते हैं हम साइड पर। अब इस नट्स में हम डालेंगे ये ड्राई रोज पेटल्स। इनकी खुशबू, इनकी खुशबू से हमारी ठंडाई में थोड़ा प्यार उभरेगा, है ना। तो होली है, होली का दिन प्यार का त्यौहार होता है। जिनसे दुश्मनी है उनको गले लगाए, उन पर थोड़ा सा रंग लगाए, उनको ठंडाई पिलाए और खूब सारा खाना खाए और होली को प्यार में बदल दें। अब इन नट्स को हम पीसेंगे, ऑन कैमरा पीसेंगे, ऑफ कैमरा चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। ये
ये सारे नट्स और जो पेटल्स हैं वो पीस चुके हैं। अब डालते हैं इसमें हम खसखस। तो ये खसखस को मैंने भिगो के रखा था, ये डालते हैं इसमें हम पानी के साथ ही। डालते हैं इसमें हम केसर, केसर के साथ साथ डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी चीनी और डालते हैं इसमें हम दूध। देखिए तैयारी सारी हो चुकी है, अब बारी है मिक्सिंग करने के लिए। अब ये ठंडाई है ना, बहुत स्पेशल रेसिपी है मेरे लिए, इसलिए क्योंकि हर गर्मियों में ठंडाई अपने घर पे ज़रूर पीता था, लेकिन जो आज की रेसिपी है भांग की ठंडाई, ये मैं पहली बार बना रहा हूँ, पहली बार पी रहा हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो अब क्या करना है, सबसे पहला काम ये जो हमने भांग को हमने मिक्स किया था, पानी के अंदर डाइल्यूट किया था, इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद ये जो पार्टिकल्स है इनको हम फेंक देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डालेंगे हम चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से और उसको अच्छे से हम यहाँ पे डाइल्यूट करेंगे। अब देखिए, अब जो काम है वो सारा काम करेगी हमारी ये मदानी, ठीक है, इसको बोलते हैं मदानी। ये बहुत बढ़िया होती है लस्सी बनाने के लिए, ठंडाई बनाने के लिए और मज़ेदार, ठीक है जी। अब क्या करना है, इसके अंदर डालेंगे हम हमारा ये ठंडाई का मिक्सचर, डालते हैं ये इसमें इस तरह से। इसको छानना बहुत इम्पोर्टेंट है और अब बारी है थोड़ी मेहनत करने की। यहाँ पे जो हमारी ठंडाई है, वाह एकदम बढ़िया स्ट्रॉन्ग ठंडाई तैयार। इसमें डाइल्यूट करेंगे हम दूध, क्योंकि हमें जो भांग चाहिए ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में चाहिए। अब इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि चीनी की ज़रूरत और है या नहीं है, लेकिन फिलहाल जो भी इसमें ज़रूरत है वो है बर्फ की, बर्फ के साथ साथ थोड़े से पानी की। आप चाहे तो दूध डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा मीठा कम लगा था, डालते हैं इसमें थोड़ा मीठा। तो लीजिए पेश करते हैं आपके सामने इस होली ये भांग की ठंडाई, और जो लोग भांग नहीं पीते उनके लिए सिर्फ ठंडाई। अब ठंडाई बन तो चुकी है, जो मेरी हर वीडियो की हैबिट होती है, मुंह में पानी आ रहा है, तो उसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसी बनी है। तो लीजिए भांग तैयार हो चुकी है, बारी है इसकी टेस्टिंग की, और टेस्टिंग के बाद मिलते हैं आपको अगली रेसिपी के साथ अगले दिन। तब तक आप घर पे जाएं, इन्जॉय करें होली, आप भी बनाएं भांग की रेसिपी अगर आपको पसंद है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें लोगों के साथ अपनी होली स्पेशल रेसिपीज। मिलते हैं आपको अगली रेसिपी के साथ, मैं बताऊँ भांग। वाह, अरे यार बहुत टेस्टी है तो। अरे तुम लोग पियोगे? हाँ, लेकिन मैं गिलास पीने जाता हूँ, मेरा मन कर रहा है बहुत यमी होनी ठंडे की रेसिपी। यार ट्रस्ट भी, अगर जितने भी सब्सक्राइबर हमारे ना उन्होंने अपने घर पे रेसिपी बनाई ना, ये तब कहेंगे वाह। वैसे भांग का फ्लेवर कुछ आ नहीं रहा इसमें, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल ठंडाई पी रहा हूँ मैं। बट नॉर्मल जो बाजार में ठंडी मिलती है वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है, बिल्कुल मीठी नहीं है। लेकिन बेस्ट पार्ट होता है क्या है, इसको ऐसे ना
अच्छी तरह से शेक करके ना फिर पीने का मजा आता है। अब मेरे को समझ में आया कि बनारस में ना क्यों लोग एक सिप में पूरी ठंडाई पीते थे। अरे मतलब रिफ्रेशिंग फील होता है, इनसे मेरे को ऐसा मजा आ रहा है कि वाओ एक गिलास बनता है। चीयर्स गाइस। चीयर्स। नीचे पेट में नहीं दिमाग को चढ़ा। माइंड हो गया पैकअप करो तुम लोग आज का पैकअप, मिलते हैं होली पे। मजा आया। क्यों क्या हो गया? एक सांस में दो दूसरा ग्लास खत्म। मजे आ रहे हैं? अरे धीरे धीरे चढ़ता है। पेट फट क्या आ रहा है शेफ? आपके आंसू क्यों आ रहे हैं? आंसू आ रहे हैं यार, कुछ क्या आ रहा है? ऐसे मसाले ना इसमें तो मसाले ठंडाई बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर नहीं देखी आपने जाके देखें, अलेक्सा मेरी अलेक्सा सो रही है। लोगों से पूछना चाहिए था वीडियो के थ्रू ना कि आप बांग को भी चढ़ती है। मुझे तो नहीं चढ़ रही है, मजेदार है यार कसम से। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? थोड़ा सा बंदा स्लो हो जाता है। अच्छा। तो थोड़ी सी आंखें हैवी हो रही है, ये चीज दर्द हो रही है बहुत। क्यों दर्द हो रही है? तो लग रहा नशे नशे में लग रहा हूँ। पंजाबी गाना गाइए। मुझे क्या हो चुका है शिवा।